कौशल विकास से स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मिर्जापुर के शिल्पकार अविनाश कुमार मौर्य ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। वो रोजगार के लिए पंक्चर जोड़ने को मजबूर थे, लेकिन अब वो कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर बलुआ पत्थरों में जान डाल रहे हैं और मूर्तियां गढ़ रहे हैं। अविनाश ने अपनी माटी से जुड़े हुए बलुआ पत्थरों को ही लॉकडाउन में तराश कर स्वरोजगार का माध्यम बनाया है। इस कार्य में उनके साथ कई और लोग भी लगकर रोजगार पा रहे हैं। अविनाश कुमार ने भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ और महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं बलुआ पत्थरों से बनाई हैं, जो क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हुई हैं। शिल्पकार अविनाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के स्वप्न को साकार कर रहे हैं और वो क्षेत्र के युवाओं के लिए हुनर से रोजगार की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। सर, हम तो हर आवश्यकता अनुसार मूर्तियाँ बनाते हैं और इसका हमने डिग्री भी लिया है, BFA किया है और MFA भी किया है मूर्ति कला से, और फिर मध्य प्रदेश में मूर्ति कला के टापर भी रहे 2018 के बैच में। और यहाँ के पत्थर की जो खासियत है सर, मौर्य काल से में लाल बलुआ पत्थर का सबसे ज़्यादा यूज हुआ था। इस पत्थर का ये खासियत है कि चाहे पानी में हो चाहे धूप में हो, इसकी चमक जो रहती है हमेशा बरकरार रहती है। ये पानी से या दूध से काम नहीं होता है और इसमें जो मूर्तियाँ बनती हैं वो काफ़ी सुंदर दिखने में लगती हैं, अट्रैक्टिव।